दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। सो आज हम मंदिर आ रखे हैं और आज हमारा मंदिर आने का मकसद है वो है पंडित जी। आज हमारे को भुवन पंडित जी हैं, वो आज हमारे को बताने वाले हैं कि जन्यों क्यों मतलब गले में डाला जाता है, जन्यों का महत्व क्यों है, जन्यों हम क्यों पहनते हैं। तो अभी भुवन पंडित जी अंदर हैं और भुवन पंडित से मिलते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भुवन पंडित जी, आज हमसे हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि हम जनेऊ वगैरह क्यों पहनते हैं, जनेऊ का महत्व क्यों है। देखिए, जो जनेऊ है, जनेऊ जो त्यौहार होता है, हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि जब जनेऊ का आजकल तो उतना मायने नहीं रखता है, आजकल उतना मानते नहीं है जनेऊ को। जैसे पहले से ज़्यादा 13 साल तक बच्चे का जनेऊ संस्कार हो जाता था। तो जनेऊ क्या है, एक संस्कार है, बच्चे को संस्कार देना होता है, जनेऊ बनाई जाती है। अब जो है आजकल हम जनेऊ बना रहे हैं क्योंकि श्रावण जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी आती है, उस दिन रक्षाबंधन के साथ साथ जो है हमारा जनेऊ का त्यौहार भी आता है, जो ब्राह्मण का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्योंकि उस दिन पहले दिन फास्ट भी रात को जो है हमारे वहाँ तो कचौड़ी, मांस की कचौड़ी जो है पहले दिन भोजन करते हैं ब्राह्मण। दूसरे दिन जैसे कोई तीर्थ स्थान में जाके, यहाँ पे तो वो सुविधा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जो हैं तीर्थ स्थान में जाके वहाँ गंगा स्नान करके वहाँ पे 3-4 घंटे पूजा में लगती हैं, तब जनेऊ धारण करते हैं। तो जो ये जनेऊ है, ये जनेऊ देखो हम बना रहे हैं अभी यहाँ पे पिताजी मेरे जनेऊ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, अभी इसको बना ऐसे बना रखा है, इसके बाद इसको पूरते हैं। पूरने के बाद इसमें ब्रह्म ग्रंथ जो होती है, ब्रह्मा की ग्रंथ जो होती है वो डाली जाती है। उसके बाद जो है इसमें इसको पीले कलर से रंगा जाता है और फिर उसके बाद उस दिन पूजा होती है। इसमें 6 जो ब्रह्म होते हैं उनका उनकी पूजा की जाती है, करीब 3-4 घंटे इसमें पूजा में लगता है और उसके बाद जो है जनेऊ धारण किया जाता है। उस दिन जो है ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जनेऊ पूजन जो है सबसे बड़ा हम लोगों का त्यौहार है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी संस्कृति जो है उसको यहाँ पे अपना दिखाएँ कि हम लोगों का त्यौहार जो है कैसे होता है, कैसे मनाया जाता है। पिछली बार भी हमने ये इसको मनाने की कोशिश की थी, यहाँ आए थे बहुत से श्रद्धालु, उन्होंने भी यहाँ पे जनेऊ संस्कार जो है हमने किया था, जनेऊ जो है पूजन किया था। हम लोगों का हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है क्योंकि जनेऊ पहनने के बाद ही जो है मनुष्य का कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है। जनेऊ जहाँ धारण कर ली वहाँ से जो है पितरों का अधिकारी भी जो है माना जाता है, पितरों को पानी देने के अधिकारी भी जो है वो हो जाता है। तो आजकल तो जनेऊ केवल धागा समझते हैं, जब मर्जी आया पहन लिया, जब मर्जी आया खोल दिया, लेकिन इसका नियम होता है कि नित्य जो है गायत्री, जो गायत्री मंत्र होता है वो मन ही मन उसका जाप किया जाता है। हमारे वहाँ तो जब गायत्री देने के लिए ही जनेऊ संस्कार किया जाता है, गायत्री देने के लिए जनेऊ संस्कार किया जाता है। जो गायत्री है वो कान में बोली जाती है, बच्चे के कान में बोली जाती है, बच्चे को वेदों का ज्ञान दिया जाता है, जो 4 हमारे वेद हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जब जनेऊ संस्कार होता है पहले दिन जो है बच्चे के नाप के, हाथ के नाप के, अंगूठे के नाम के, उंगली के नाम के जो है वेदी बनती है, उस वेदी की हमेशा पूजा होती है। दूसरे दिन 4 वेद जो होते हैं उनकी वेदियां बनाई जाती है, 4 वेदों के बारे में बताया जाता है। तो हमारे जो 4 वेद हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो हमारे वहाँ काशी पढ़ने का जो है, काशी पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है। हम लोग जो है सूक्ष्म प्रकार से, क्योंकि पहले से जो थे जाते भी थे, लेकिन अभी जो है सूक्ष्म प्रकार से दिखाते हैं कि ऐसा होता है। जनेऊ संस्कार जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। अभी हम जो है आपको दिखाएंगे कि जनेऊ कैसे बना रहे हैं, उसके बाद जब पूरते हैं इसको पूरा जाएगा तब की भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इससे हम लोगों को ज्ञान मिलेगा कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा धर्म है जनेऊ संस्कार है, वो लोगों को पता चले कि जनेऊ संस्कार क्या है। आगे की वीडियो में और हम आपको कुछ बातें बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद। आते हैं जहाँ पंडित जी के पिता जी जनेऊ बना रहे हैं, इस तरह बैठे हैं पंडित जी और पंडित जी जनेऊ बना रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आप जनेऊ बना रहे हैं? जनेऊ बना रहा हूँ। इसके बाद इसको पूजा जाएगा? इसको अभी तो बहुत काम है, इसमें इतनी जल्दी कहाँ पूजा जाता है ये। अच्छा। इसका 1 घंटा लगता है एक जनेऊ बनने में, और इसके लिए इसको त्रिशूल बनाना पड़ेगा, त्रिशूल के बाद तकुए में कातना पड़ेगा, फिर उसके बाद बांटना पड़ेगा, फिर ग्रंथ डालना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर रंगाना पड़ेगा, फिर इसकी पूजा होगी श्रावणी उपाकर्म में। अच्छा।
अच्छा, पर अभी पूजा नहीं होगी, अभी इसका बहुत काम है, अभी इसको पहले मतलब पीला रंग रंगा जाएगा, बहुत काम है, इसके बाद इसकी तब जाके पूजा। तो जैसे कि आप सबने देखा, पंडित जी, हमारे पंडित जी ने बताया कि हम जन्यो वगैरह क्यों पहनते हैं, जन्यो का महत्व क्या है हमारे हिंदू समाज में। तो इसलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, तो अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको जन्यो को पूछते हुए दिखाएंगे, तो वो वीडियो चैनल में ही आ जाएगी, लिंक सेंड कर देंगे। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि बद्दी जी ने बताया, जिससे हमारा महत्व पता चले कि हमारा महत्व है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।